नमस्कार दोस्तों, इनकी आयु 44 इयर्स है, प्लस 4 मंथ हो चुका है और ये काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, ब्रांडेड कॉलेज में पढ़े हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि कोई भी वस्तु करने के लिए हमें भाग्य चाहिए। मैं आपको इनकी दोनों साइनें दिखाऊंगा, दोनों ब्रांडेड कॉलेज में पढ़े हैं, उस समय कॉलेज का नाम भी आपको बताऊँगा और वो साइन होती है तो ही व्यक्ति ब्रांडेड कॉलेज में एडमिशन ले पाता है। अब एक एक करके इनके हाथों के अप डाउन देखने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है, ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट पहले नुकीला कम है आगे से, तो ऐसे लोगों का ध्यान इधर उधर भटकता है। सेकेंड फैलेंज नॉर्मल है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे जहाँ ज़रूरत होती होगी। और अंगूठा मांसल कम है, तो अपने हितों की रक्षा करने में थोड़े से कमज़ोर पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज नेचर होता है व्यक्ति का। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते। और इस तरह के अगर फैलेंज हो ऊपर से तो ऐसे लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत अच्छी होती है। ये जैसे हो संभालते कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स में पार्ट लेते, इंटरेस्ट लेते उसमें। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जब मैं 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर छोटी छोटी खड़ी लाइन है और बुध पर्वत अपने आप में अच्छा है, तो ऐसे लोग सुंदर भी होते, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। और ये पार्ट जरा उभार हो तो नाम के प्रति बहुत जागरूक रहता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा। छोटा भी काम करेगा तो ऐसे लोगों को लगता है मेरा नाम होना चाहिए। अब इनकी साइनें देखते हैं। एक साइन यहाँ पर है, सालों से विदेश में ही रह रहे। एक बढ़िया साइन है इनके हाथ में, अगर किसी को देखनी हो तो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकता है। एक लाइन यहाँ से निकल रही है और ऐसे घुमाव ले रही है। और एक उससे भी अच्छी साइन है यहाँ पर, ये जितनी भी साइन है इनके पास मोटी है। अगर यही पतली होती तो अभी जो पैसा कमा रहे उससे भी ये ज्यादा पैसा कमाते। यहां पर थोड़ा सा भी उभार हो तो सुबह उठना अच्छा नहीं लगता व्यक्ति को, आनंद नहीं आता। और ये जो लाइन है ये विद्या रेखा है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। और इस तरह की लाइन हो व्यक्ति के जीवन में तो बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आएंगे। और शनि पर्वत यहाँ से दबा हुआ है, मुझे इनके कौन से धर्म से बिलोंग करते पता नहीं, अगर ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे तो मैं उपाय दे दूंगा आपको। ये व्यक्ति को कोई भी काम आसानी से नहीं होने देता, शनि दबा हो तो 2-3 बार तो मेहनत करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और समय पर वस्तुएं नहीं मिलती। पैसा भी हो और कोई पर्टिकुलर कार लेनी है तो भी समय पर नहीं आएगी, वो मॉडल पूरा होने के बाद वो मिलेगी, मिलती जरूर है पर देरी से मिलती है। और इनको कर्ज जीवन भर चुकाना ही है, ये समझ के चलिए आप। जुपिटर माउंट अच्छा है तो पारिवारिक सांसारिक सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है जीवन में।
यहाँ पर कोई खास लाइन है नहीं, एक लाइन है बस, पर जुपिटर अच्छा है तो खाने के शौकीन होते हैं, ना सुनने की आदत कम होती है, इनको स्टेटस अच्छा मिलता है, इज्जत अच्छी मिलती है ऐसे लोगों को, और थोड़ा शरीर में वजन भी रहता है इनके जब जुपिटर आपका बड़ा होता है, और किसी ने ना बोल दिया तो इनको सहन नहीं होता। अनुनी मंगल भी अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी होगी, बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, और ये लाइन यहाँ पर रहेगी तो इंसोमिया या ऐसा कुछ शब्द है जो नींद की बीमारी होती है, जल्दी नींद ना आना, वो प्रॉब्लम इस लाइन की वजह से होता है। और इसका एकदम आसान उपाय दे देता हूँ, जिस दिन आप शारीरिक श्रम करोगे उस दिन नींद आएगी, जिस दिन शारीरिक श्रम नहीं करोगे नींद देरी से आएगी। सिंपल उपाय है, योगा ज्वाइंट करो, जिम करो, वॉक करो या दौड़ो, कोई ना कोई रूप से शारीरिक एनर्जी आपकी निकलेगी जिस दिन, उस दिन नींद आएगी। और ये लाइन अगर रही तो भाई की ओर से, पिता की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा आर्थिक कष्ट आता है, यानी परेशानी आती है उनके द्वारा। और इनके हाथ में मनी ट्रायंगल है ही नहीं, तो जब राहु रेखा काटेगी तब इनको ज़्यादा पेन आएगा, और पहले भी राहु रेखा का असर भुगत चुके वो। बाकी चंद्र अच्छा है, ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ है कि व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है या व्यक्ति को कवि बनाता है यानी पोएट बनाता है। मुझे पता नहीं है ये शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेते कि नहीं, पर शेयर सट्टे की लाइन भी है इनके हाथ में, और शुक्र पर्वत अति उत्तम है तो लग्जरियस लाइफ का शौक होता है और उसे पूरा भी करते हैं, और ऐसे लोगों को गर्मी पसंद नहीं आती। हृदय रेखा जुपिटर से टच हो रही है तो भरोसे लायक इंसान होते, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंतर रह रही है हृदय रेखा में, तो ये शनि से ही निकलना इसको गिन सकते हम, जुपिटर से नहीं निकलना। तो ऐसे लोगों को सुबह उठते पैसे की तरफ झुकाव जाता है, कामुक भावना रहती है, और ये अपना नुकसान सहन नहीं कर पाते, और ये लाइन इनको गुस्सा भी दिलाती है। बाकी हृदय रेखा में कोई प्रॉब्लम है नहीं, माइंड लाइन भी अच्छी है, पर बीच में यहाँ पर ब्रेक हो गई है, तो ये पीरियड रहा होगा इनके जीवन का 32 के आसपास का, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी और उसके बाद ही जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे। एज में 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इतनी लाइन खींचने में 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, पर उस पीरियड में कोई ना कोई राहु रेखा जैसा ही खेल होता है और उसके बाद हम सीरियस बनते हैं जीवन में, उसके पहले व्यक्ति में सीरियसनेस नहीं आती जब माइंड लाइन आपकी टूटे तो, और उसके बाद माइंड लाइन अच्छी है तो थोड़ी सी छोटी कह सकते हैं माइंड लाइन को, तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। अब जो मैंने शुरुआत में बताया था आप लोगों को कि बड़ी बड़ी कॉलेजों में, जो ब्रांडेड कॉलेज, उम्र 23 में इन्होंने IIT क्रैक की, IIT में इन्होंने पढ़ाई की, तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रायंगल दिखाता हूँ, एक ही मिनट, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है।
और उसके बाद 24 की एज में कोई ना कोई रुकावट आई होगी, जैसे ये पास आउट हुए होंगे उसके एक साल के बाद इनको रुकावट आई होगी, और अभी इन्होंने कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई की है। और ये देखिए कैम्ब्रिज की पढ़ाई का कितना बड़ा ट्रायंगल है, जितनी बड़ी ब्रांडेड कॉलेज होती है उतना बड़ा ट्रायंगल, ये देखिए इतना बड़ा ट्रायंगल। और ये लाइन एज ऑफ 29 में इसने शादी कराई इनके जीवन में। ये इतना बड़ा ट्रायंगल है, किसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। बिना भाग्य के हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, इस तरह का ट्रायंगल हो जितना बड़ा ट्रायंगल, कैम्ब्रिज स्टैनफोर्ड उसमें बड़े बड़े ट्रायंगल इसी तरह के होते तो ही एडमिशन ले पाते हो आप लोग। अब उसके बाद वापस इनके, अब ये फोटोग्राफ में थोड़ी लाइनें डल दिख रही थी तो मैंने ड्रॉ किए, फिर भी चलिए मैं काउंट करने के लिए ड्रॉ की थी, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। थर्टी टू में एक राहु रेखा ने काटा, फिर 34 में राहु रेखा ने काटा, और इसके आसपास ही कोई नियर एंड डियरर की डेथ थी। उसके बाद 38 में बड़ी राहु रेखा आई, इसने कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में किया होगा। एक 48 में बड़ी राहु रेखा आएगी इनको, और 50 यानी 50 या 51 में बहुत बड़ा ऑफशूट मिलेगा इनको। उसके बाद फिर 52 में एक छोटी सी राहु रेखा काटेगी। अब ये गल्फ में रह रहे तो इस तरह की राहु रेखा बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, तो इस पीरियड में अगर ये कोई ऐसे कंट्री में जा सकते हैं नॉर्थ पोल के आसपास तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद एक और ऑफशूट है 52 के आसपास और छोटी राहु रेखा है, और एक ऑफशूट है 54 में और बाद में एक राहु रेखा 54 के आसपास, ये लास्ट राहु रेखा है। उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है। अब जो धन रेखा का कट है उसको देखते हैं। वर्तमान में इनके जीवन में दो कट लगे, ये माइन लाइन का कट है, इससे कोई नुकसान नहीं जाता। एक 43 के आसपास और एक 44 के आसपास दो धन रेखा पर कट है, इस वजह से इनको वर्तमान में और इसके पहले भी नुकसान गया होगा, और ये 50 या 51 में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में, और उसी पीरियड में ऑफशूट भी है, और उसके बाद ना नुकसान है ना कुछ है। उसके बाद धन रेखा पर चलते हैं, ये इन्वेस्टमेंट के बाद अभी धन रेखा देखिए 36 या 36 एंड हाफ के बाद इनको प्रोग्रेस मिला होगा ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रांग बनी रेखा। ये कट के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ, और ये इन्वेस्टमेंट लाइन 50 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, और उसके बाद इनकी जो इनकम थोड़ी सी कम होगी, ऑन ऑफ होगी, और एक्सपेंसिव लाइफ होगी, और ये पीरियड चलेगा 3 साल का, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, अप टू एंड तक अच्छी लाइन है, फिर वापस से समय अच्छा आ जाएगा। 3 साल थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा इनके जीवन में, पर उस पीरियड में ऑफशूट भी है तो इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई बेनिफिट मिलती रहेगी। और ये इन्वेस्टमेंट के बाद अगर ये लाइन कट कर रही होगी तो नुकसान भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन जैसी नज़र आ रही है। ये ऑनलाइन पामेशी में यही प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाते, लगभग तो यही लाइन है, डबल लाइन नहीं लग रही है।
पर यहाँ कमज़ोर रहेगा, पर साथ साथ में ऑफ शूट भी है तो ऑन ऑफ रहेगा। फिर 3-4 साल के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, अप टू बुढ़ापे तक टकाटक रेखा है। इस फोटो में क्लियर कट बढ़िया रेखा है इनके हाथ में, अप टू जियोगे तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।